अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो चाय शाय हो गई, हो रही है काम पे निकलने की तैयारी। यहाँ से मुझे सवेरे सवेरे फाजो के साथ झगड़ा भी हो गया। निकलते हैं काम की तरफ, तो मिलते हैं सीधे काम पे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, और जो भी भाई चैनल पे नया आया चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को कर ले लाइक, और जो भी भाई फेसबुक पेज से दिख रहा है फेसबुक पेज को कर ले फॉलो। तो चलिए फ्रेंड्स निकलते हैं। ये रहा फ्रेंड्स फाजो, इसके साथ मुझे हो गया झगड़ा। हाय बोलो। तो पहुंच गया जी फ्रेंड्स में काम पे। तो कर लिया मैंने कपड़े छुपे चेंज तो कर लिए थे, आज दिन का काम स्टार्ट। तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को आज दिन को क्या करना है। इन फिल्टरों को करना है पेंट का फर्स्ट को, तो कर लेते हैं हम लोग फिलहाल काम स्टार्ट। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स इतना कुछ काम हो गया कंप्लीट, ये वाली खिड़की हो गई कंप्लीट, तो आ गई चाय। तो फिलहाल पी लेते हैं चाय, तो मिलते हैं बाद में आप लोग वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो मेन डोर भी हो गया कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो मेन डोर को हम लोगों ने किया फर्स्ट कोट कंप्लीट। तो अंदर से भी चल रहा है काम। तो मैं ये रहा जी रूम का सीन, ये वाली खिड़की भी हो गई कंप्लीट यहाँ से, अभी इसको करना है। और वहाँ से भी हो गया कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स वो दो खिड़कियाँ भी हो गई कंप्लीट। तो अभी फ़िलहाल के लिए कर लेते हैं कंटिन्यू काम, आप लोग वीडियो में बने रहिए स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए दिन के बज गए एक, ये पूरा रूम हो गया कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो चारों खिड़कियाँ हो गई कंप्लीट। तो अभी हम उतरने वाले हैं नीचे वाले रूम में। तो बाहर कर रहे हैं उस्ताद रेलिंग ग्रिल को कलर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो वाला सीन भी। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो अनुज भाई और तनवीर भाई कर रहे हैं ग्रिल को कलर। इस टाइम सिल्वर कलर चल रहा है और ऊपर से चल रहा है ग्रीन, आप लोग देख सकते हो पूरा। मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करवाऊँगा और अनुज भाई से भी हम लोग पूछेंगे इस कलर के बारे में। यहाँ पर हम एक ग्रुप जो निकल रहे हैं सिल्वर में, हाँ जो ऊपर है ये ब्लैक में भी निकाल सकते हैं और गोल्डन में भी, लेकिन हमारे पास इस टाइम गोल्डन नहीं था तो हमने ये जो 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 हमारे पास ग्रीन कलर। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम उतरे नीचे वाले फ्लोर में जो इसका सेकंड फ्लोर है। तो इस रूम को खाली खिड़कियों को प्राइमर करना है, और जो ये मेन डोर वगैरह है ये इन्होंने नया लगाया है डोर, और खिड़कियां अंदर से जो जाली वाली खिड़कियां हैं ये भी इन्होंने नई लगवाई है। बाहर से जो शीशे वाली खिड़कियां हैं ये पुरानी ही है। तो अभी इनको पूरा पहले साइजिंग लगाएंगे, उसके बाद पेंट का प्रोसेस होगा। तो फ़िलहाल के लिए साइजिंग हो गई स्टार्ट, आप लोग देख सकते हो उस्ताद कर रहा है साइजिंग। लगभग ये वाली खिड़की मुकम्मल होने वाली है, आप लोग देख सकते हो। और जो दूसरी खिड़की है वो हम लोगों ने कर ली कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो उसका सीन भी। ये वाली खिड़की हो गई पूरी कंप्लीट, इसको पूरी खिड़की को हम लोगों ने साइजिंग लगाई। लेकिन इन खिड़कियों में ना बहुत टाइम लगता है, एक तो शीशा लगा हुआ है, ऊपर से ये रूम भी काफ़ी बड़ा है। वो रहा दरवाजे का सीन, वो वाला दरवाज़ा नया है, ये छोटा ही है जाली वाला दरवाज़ा, इसको वो मेन जो दूसरा दरवाज़ा होता है वो लगा के नहीं है। आप लोग देख सकते हो रूम का भी सीन, ये बहुत बड़ा रूम है, लगभग 20x20 होगा। तो इसकी खिड़कियाँ भी बहुत बड़ी है, तो इसलिए इन खिड़कियों में ना टाइम ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो दोनों खिड़कियाँ हो गई कंप्लीट, अभी हम लोग पहुँच गए दरवाजे पे। तो बाहर से कर रहा है उस्ताद, तो मैं करूँगा अंदर वाले साइड से, तो ऐसे जल्दी हो जाएगा मुकम्मल। आप लोग देख सकते हो रूम का सीन भी, दोनों खिड़कियाँ हो गई कंप्लीट। तो अभी कर लेते हैं थोड़ी देर काम, तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को आगे का सीन भी, स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली फ्रेंड्स हो गया दरवाज़ा भी मुकम्मल, पूरा काम इस रूम का फ़िलहाल के लिए तो हो गया मुकम्मल। साइजिंग का जिसको प्राइमर बोलते हैं, प्राइमर का काम हो गया मुकम्मल। तो फ्रेंड्स उसके बाद ये रही बीडिंग, इसको साइजिंग करके रखी थी कल शाम को, तो ये सूख गई है। अभी इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे पेंट का फर्स्ट कोट फ़िलहाल के लिए, तो ये रात भर सूखेगा, फिर अगले दिन लगाएंगे सेकंड कोट। तो ये हो गया जी पेंट का प्रोसेस स्टार्ट, अभी पेंट लगा रहे हैं हम लोग इसके ऊपर, तो इससे ना फिर शीशे बच जाते हैं, तो शीशा लगाना भी आराम हो जाता है, और बीडिंग में भी कलर पूरी बीडिंग को लग जाता है, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए कर लेते हैं थोड़ी देर काम, तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को आगे का सीन, स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली फ्रेंड्स हो गया बीडिंग का काम भी कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो पूरी बीडिंग को हम लोगों ने किया पेंट।
ये रहा पेंट का प्रोसेस पूरी बिल्डिंग को, अभी ये रात भर सूखेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ से अनुज भाई और तनवीर भाई ने ये वाला वॉल भी किया है, बाहर वाला कंप्लीट, इसको भी ग्रीन कलर लगाया है, लाइट वाला की ग्रीन। ये पेंट नहीं है, ये एक्सेल का काम है, आप लोग देख सकते हो। तो अनुज भाई बोल रहा है हम लोगों ने भी किया मुकम्मल, बस 10-15 मिनट लगेंगे। तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अंदर वाला सीन भी, अंदर से भी हो गया है ये रूम पूरा कंप्लीट, गली वली। तो वॉल देखो कैसे जज रहे हैं, ये रहा जी फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो अंदर का सीन, पूरी ग्रिल भी हो गई है तैयार। इसमें हम लोगों ने किया है सिल्वर और ऊपर से ग्रीन सैनिक कलर जिसको बोलते हैं। तो ये रहा यहाँ से पूरी ग्रिल का सीन और ऊपर से रूप भी तैयार, वॉल भी तैयार। आज दिन का काम तो कर लेते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।